नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनी नरनारायण सेतु के बारे में, जहां पे अब रेलवे ट्रैक्स के डबलिंग के काम को शुरू कर दिया गया है। इस ब्रिज का इनॉग्रेशन सन 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था और इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 300 करोड़ की लागत में कंस्ट्रक्ट किया गया था। दोस्तों, इस ब्रिज की लंबाई 2.5 किलोमीटर है और ये बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट की जोगीखोपा शहर को पंचरत्न शहर से जोड़ती है, जो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों, ये एक डबल डेक वाली ब्रिज है, जिसमें लोअर डेक में सिंगल रेलवे ट्रैक और अपर डेक में रोडवेज बनी हुई है। असम में चल रही रेलवे ट्रैक डबलिंग प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेल ने 2019 में गुवाहाटी से न्यू बोंगाईगांव के बीच इस रूट पे 2042 करोड़ एलोकेट किए थे और इसके तहत ही अब नरनारायण ब्रिज में ट्रैक डबलिंग के काम को कमीशन कर दिया गया है, जिसकी जानकारी रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने ट्विटर में शेयर किए थे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को 2022 से 23 के बीच खत्म करने का प्लान किया गया है, जिसको फिलहाल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इस ट्रैक डबलिंग प्रोजेक्ट के कम्प्लीशन के बाद स्थानीय लोगों के ट्रेवल टाइम में कमी आएगी और साथ ही रेल ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, असम में फिलहाल रेलवे ट्रैक डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी जानकारी से रिलेटेड वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, नरनारायण सेतु भारत के सबसे बड़े रेलवे पुलों में से एक है और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर असम का दूसरा सबसे लंबा पुल है। उम्मीद है कि डबलिंग का काम तेजी से खत्म हो जाए और स्थानीय लोग जल्द से जल्द इसका लाभ उठा पाए। वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।